एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। कोई भी संख्या यदि x बटा y में हो तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हिंदी की बात की जाए तो इसे हिंदी में कहेंगे अंश और इसे कहते हैं हर। हमें आज पढ़ना है भिन्नों का जोड़। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। अब हम जोड़ की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2 बटा 5 प्लस 7 बटा 5। हमें इस संख्या को जोड़ना है तो हम पहले क्या करेंगे। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है हम हमेशा उसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ संख्या 5 है और यहाँ पर भी 5 है यानी कि इसका हर एक समान है तो हम एलसीएम नहीं निकालते बल्कि उसी संख्या को हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो ऊपर की संख्या होती है उसे हम लिखकर जोड़ देते हैं। जैसे 7 और 2 9 हो गया, 9 बटा 5 ये आपका हो जाएगा आंसर। जैसे 7 बटा 6 और 2 बटा 6 हमें इसे जोड़ना है तो क्या करेंगे। देखिए इसका डिनोमिनेटर एक समान है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार यहाँ पे 6 लिख देंगे और ऊपर की संख्या को वैसे का वैसा ही, जैसे 7 प्लस था तो प्लस लगा दिए। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 होता है, 9 बटा 6। यहाँ पे ये दोनों संख्या 3 से कटती है तो 3 को 3 से और 3 को 2 से जब भाग देंगे तो 3 बटा 2 हमें मिल जाएगा आंसर। 3 बटा 6 प्लस 4 बटा 18। तो यह इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को लिख देते हैं ऐसे 6 और 18 और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे ये संख्या कटे। तो देखिए 2 से ये संख्या कटती है, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब ये दोनों संख्या कोई भी 2 से नहीं कट रहा लेकिन 2 के बाद 3 आता है, 3 से ये संख्या कटती है तो यहाँ लिखेंगे 3 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9। अभी भी ये संख्या 3 से कटती है तो 3 इस एक को वैसे का वैसा ही लिख देंगे और 3 एकम 3। अब इस संख्या को हमें गुणा करना है तो गुणा करने पे 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 यानी कि 18 हमारा हो जाएगा एलसीएम, माने इसके नीचे हम 18 लिखेंगे। साथियों ये तो हो गया लॉन्ग कट, लेकिन यदि आपको शॉर्टकट करना है तो आप क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये बड़ी संख्या इसके पहाड़े में आई है या नहीं आई है। जैसे 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 तो यानी कि 18 हमारा एलसीएम होगा। दोस्तों ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जब ये संख्या एक समान थी तो ऊपर वाली संख्या को भी हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया और जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हमारा आया है उस संख्या को हम इस 6 से भाग देंगे। तो देखिए 18 को 6 से भाग देने पर हमें मिलता है 3, मतलब 6 को 3 से गुणा करेंगे हमें मिल जाएगा 18। नीचे 3 से गुणा किया गया है तो ऊपर भी 3 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस लगा है बीच में, प्लस लिखेंगे। 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है तो हम इस 4 को वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। अब जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 9 और 4 13 बटा 18। साथियों ये दोनों संख्या किसी से नहीं कटती तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेते हैं 2/7 प्लस 9/14 या कम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे आपका एलसीएम 14 आ गया, क्योंकि 7 को हमने 2 से गुणा किया था, वैसे ही ऊपर भी 2 से गुणा होगा। 2 दूनी 4 प्लस 14 यहाँ पे है तो हमने 14 लिखा था, ऐसे ही इसी 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। जोड़ने पर यहाँ पर भी आ जाएगा 9, 4, 13/14। ये आपका हो जाएगा आंसर। हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 9 और 12 का। तो देखिए ये संख्या जो है 12 ये 2 से कटती है, लेकिन 9 2 से नहीं कटता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 9 नहीं कटता है इसीलिए 9 को छोड़ देंगे और 2 छक 12 लिख देंगे। अब देखिए अभी भी 6 2 से कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 9 को वैसे का वैसा ही लिख देंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों संख्या 3 से कटती है, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अभी भी ये संख्या 3 से कटती है, तो यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3। अब इस संख्या को हम गुणा कर देते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूना होता है 36। 36 इसका एलसीएम होगा। अब साथियों 36 को यदि हम 9 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है 4, 9 चौक 36। मतलब हमने यहाँ पे इसे 4 से गुणा किया नीचे, तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा। 6 चौक 24 हो जाएगा और प्लस अब 12, 36 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो हमें मिलता है 3। मतलब 12 को 3 से गुणा करने पर 36 मिलेगा। तो जब नीचे 3 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा। 7 तिया 21 हो गया। जोड़ने पर हमें मिलता है 4 और 1, 5 और 2 और 2, 4, 45/36। ये दोनों संख्या 3 से कटती है, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और ये कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी भी साथियों ये दोनों संख्या 3 से कट रही है, तो 3 पचे 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक 12। यानी कि ये जो 5/4 हमें मिला ये हमारा हो जाएगा आंसर। 4/5 प्लस 7/8 हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पे 8 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। लेकिन साथियों ध्यान से देखिए ये 5 हमारा संख्या है, प्राइम नंबर है। तो साथियों प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं, और मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया भी है, और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर वो संख्याएँ होती है जो संख्या किसी से नहीं कटती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 etc. ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या भिन्न में आ जाए तो इसका हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। इसका शॉर्ट मेथड ये है कि हम इन दोनों संख्याओं को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट 8 पंचे 40। अब क्योंकि 5 का गुणा 8 से हुआ तो हम 4 का गुणा भी 8 से कर देंगे, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पे 8 पंचे 40, मतलब 8 का गुणा 5 से हुआ था, तो वैसे ही हम 7 का गुणा 5 से कर देंगे, तो 7 पचे 35। जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 5 और 2, 7 और यहाँ मिलेगा 3 और 3, 6 और नीचे हो जाएगा 40। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।